Good morning, all of you. Now today I am going to continue the chapter the yellow butterfly. Okay, last class में मैंने आपको इस chapter से related question answer करवाए थे 1, 2, 3, 4. Okay, now today I am going to write some question answer and some exercise of this chapter. First of all, you take out your English text notebook because first of all I am going to write the question answer. After that, do the exercise. Okay. So, hurry up. Take out your text notebook. वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है सभी को? वॉइस क्लियर है सभी को? यस मैम, यस मैम. ओके, प्रॉब्लम थी इस वजह से ऐसा हो रहा था. ओके, नाउ आई होप आप सभी ने नोटबुक ओपन कर ली है. मेंशन डेट एंड चैप्टर नेम. And this is the top time on page number 49 in your marigold book. Okay, आप book भी open कर सकते हो. 49. And this is the question of top time. ये top time के questions हैं. Now the first question is if you were a butterfly, how would you feel if you were Now write it. कोई भी स्पीकर को अनम्यूट नहीं करेगा. बस जिसको प्रॉब्लम होगी या फिर कोई ऐसा वर्ड जो समझ में नहीं आ रहा हो वही पूछेगा. ओके, क्वेश्चन इज इफ यू वर अ बटरफ्लाई हाउ वुड यू फील इफ यू वर कैच. ओके, आंसर इज मैम हाउ की बात क्या लिखा. गुड, म्यूट करना प्लीज. स्पीकर को म्यूट में रखेंगे. जिसको क्यूरीज होगी केवल वही पूछेगा, अदरवाइज सारे स्पीकर को म्यूट में रखेंगे. अदरवाइज मैं अपने म्यूट करूंगी. मैम आपकी स्क्रीन नहीं आ रही. वेट कर लीजिए, शायद नेट कनेक्टिविटी की वजह से प्रॉब्लम होगी. हमारी तरफ से क्लियर है. आवाज बहुत है इसलिए मैं अपनी तरफ से म्यूट कर रही हूँ सभी को. क्या आराम से लिख सकूँ क्योंकि मुझे ओके नाउ राइट इट इफ आई वर्क कैसे हो रहा है. मैम मैम आप दिख नहीं रही. ओके
Write it fast. Question is, if you were a butterfly, how would you feel if you were shy? Question aapka diya gaya hai. I would be very sad if I were shy. Question aapka diya hai, if you were a butterfly. Aapko imagine karna hai ki agar aap yellow butterfly ki jagah hote. How would you feel? To aap kaisa feel karte if you were कैच कि अगर आपको कोई पकड़ लेता तो बहुत बुरा लगता है ना, क्योंकि हम किसी के बंध जाते हैं तो अपने का हम उड़ नहीं सकते है ना. बटरफ्लाई को भी ऐसे ही हो रहा होगा. बटरफ्लाई अगर मैं आई वुड बी वेरी सैड, तो मैं बहुत दुखी होती कैच अगर हमें कोई पकड़ सकता. जल्दी राइट करिए. राइटिंग पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे. राइटिंग मेक श्योर कि आपकी राइटिंग बहुत नीट एंड क्लीन होनी चाहिए. बहुत प्यारी प्यारी हैंड राइटिंग राइट करना, क्योंकि आज ज्यादा टॉपिक नहीं है मेरा आज कराने का. Do it fast. आराम से करिए. जल्दी लिखिए, सुंदर लिखिए, प्यारा लिखिए. हो गया आई थिंक उसका कहूंगे. ओके दैट्स बेटर. ओके देखिए मैं देख रही हूँ, जैसे ही कुछ बच्चों को हो जाएगा फिर हम आगे क्वेश्चन की तरफ. कार्तिक पांडे, वेयर इज योर नोटबुक, प्लीज शो मी, मुझे दिखाइए आपने कर लिया है. दिखाइए जल्दी से अपनी नोटबुक, दिखाइए क्या आपने क्वेश्चन आंसर दोनों ही लिख लिया है. अच्छा आपसे नहीं कह रही हूँ मैं, कार्तिक पांडे प्लीज शो मी योर नोटबुक, क्या आपने क्वेश्चन आंसर दोनों ही लिख लिया है. कहाँ चले गए? सामर सो में नोटबुक कहाँ किया आपने, दिखाइए. दिखाइए बेटा नोटबुक, कहाँ आपने क्वेश्चन आंसर लिखे, अब आपकी कॉपी खुल रही है. हाँ नेक्स्ट टाइम से मैं रिमूव कर दूंगी क्लास, जब आपको लिखना ही नहीं है पढ़ना ही नहीं है तो फिर क्या मतलब है ज्वाइन करके रखने. हाँ यस, आई होप आपका फर्स्ट का क्वेश्चन आंसर राइट हो चुका होगा. आई रीड इट अगेन, आफ्टर दैट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ आई वर बटरफ्लाई हाउ वुड यू फील इफ यू वर कैच. आंसर इज इफ आई वर अ बटरफ्लाई आई
I would be very sad if I were. I hope आपका first का answer हो चुका होगा, question भी हो गया होगा, answer भी हो गया. Now come to the question number two. So before write the question, I will give question and answer. Now. Why did the butterfly the plant in the garden? Okay. Question आपका दिया है. Why did the butterfly go to the flower in the garden? Okay. Answer. The butterfly go to the flower in the garden to the flower write it. Question number here, why the butterfly go to the flowers in the garden? Answer is, the butterfly go to the flowers in the garden to the flowers ask it. It's the food. Write kariye, after that I explain this question and answer. जिन्होंने वीडियो क्लोज करके रखा है वो प्लीज वीडियो को ओपन कर लें. क्वेश्चन आपका दिया है. नाउ आप लोग कंटिन्यू करते रहिए, मैं एक्सप्लेन भी कर रही हूँ क्वेश्चन और आंसर. व्हाई व्हाई इसमें रीजन पूछा जा रहा है. व्हाई क्यों, व्हाई डिड द बटरफ्लाई गो टू द इन द गार्डन. जो बटरफ्लाई है वो गार्डन के फ्लावर में क्यों जाती है? ओके अंशिका, ओके ठीक है, ओके वेल डन. समझिए क्वेश्चन आंसर को. Why did the flower go to the flowers in the garden? Why did the butterfly go to the flowers in the garden? जो butterfly है वो garden के flowers में क्यों जाती है? क्यों भाई? Answer है, the butterfly go to the flowers in the garden. ये question ही दिया हुआ है. The butterfly go to the flowers in the garden. तो किसने चूसना, ओके, तो मींस क्या होता है चूसना, ओके, द
फूलों के रस को चूसने जाती है एज इट इज द फूड, क्योंकि वो उसका क्या होता है, फूड होता है, खाना होता है. जैसे हम रोटी सब्जी खाते हैं, हेल्दी फूड खाते हैं, मिल्क ड्रिंक करते हैं, इसी तरीके से जो बटरफ्लाई होती है वो फूलों का रस पीती है, जो कि उनका फूड होता है, भोजन होता है. इसीलिए जो बटरफ्लाई है वो गार्डन के फ्लावर पर जाती है. Now I explain this question and answer. Why did the butterfly go to the flowers in the garden? Answer is, the butterfly go to the flowers in the garden. So the flowers use as is the food. Now all the question answer is completed of this chapter. Now do it fast. Good part. And सोमी नोटबुक, क्या आपके क्वेश्चन आंसर हो गए हैं? दिखाइए बेटा जरा. अवनी के हो गए हैं? प्लीज सोमी नोटबुक. ओके 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 हाँ ठीक है, देख लिए. राइटिंग पे कॉन्सेंट्रेट करा करिए प्राची. ओके राइटिंग पे कॉन्सेंट्रेट करिए कि बहुत प्यारी हैंड राइटिंग में राइट करिए. कार्तिकी का हो गया क्या तो दिखा दें. प्राची आप लेटे हो क्या? ओके क्या सभी का हो गया? ओके ओके देख लीजिए. किसी का रह गया है? केवल वही रिप्लाई करेंगे. क्या किसी का रह गया है? नो मैम. मैंने कहा कि रह गया है. नो मैम नहीं बोलना है. अगर किसी का रह गया है वो कंटिन्यू राइटिंग कर रहे हैं तो वो बोलेंगे ओ मैम मैं अभी राइट कर रहा हूँ. क्या कर रही हैं? मैम अभी हम राइट कर रहे हैं. हाँ यस मैम राइट है. ओके ओके आई विल वेट. ओके आई विल वेट. जब मैं मैम ने बोल दिया आई विल वेट तो मैं तो फिर सभी का वेट करूंगी ना बेटा. आंस यू ऑल्सो. हाँ यस यस ओके सानवी गुड गुड. योर हैंड राइटिंग इज टू गुड. जल्दी से करिए. टू मिनट मैं और वेट कर रही हूँ. आफ्टर दैट मैं आती हूँ एक्सरसाइज की तरफ. मैम आई हैव कंप्लीटेड. ये नहीं बोलना होता है क्योंकि मुझे अभी लग रहा है देखिए प्लीज राइट कर रहा है. अभी कुछ बच्चे राइट कर रहे हैं तो प्लीज उनको राइट करने दें. आप लोग जब तक क्वेश्चन आंसर को लर्न कर डालें. बैठना नहीं है, फ्री नहीं बैठना है. आप जब तक इन क्वेश्चन आंसर जितने मैंने आपको राइट करवाए हैं राइट कर डालिए. और स्पीकर को म्यूट में रखें. और स्पीकर को म्यूट में रखें प्लीज. आंस सोमी नोटबुक दिखाइए बेटा. नोटबुक पे हो गया हो तो कर रहे हो करो. ओके प्रेवर ओके वेल डन. ओके आई होप आप सभी का हो गया है. और अगर इन केस किसी का रह गया वीडियो सेंड करूंगी कर लीजिएगा नहीं तो क्लास ओवर हो जाएगी है ना. तो आई विल इरेज स्पीकर को म्यूट में रखेंगे. ओके गुड आराध्या.
होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। नाउ आई ब्रश माय टीथ। नाउ दिस इज योर सेकंड सेंटेंस ऑर्डर। सेंटेंस के ऑर्डर भी रखे होंगे। फर्स्ट में आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट आउट ऑफ अ बेड, सेकंड देन आई ब्रश माय टीथ एंड हैव अ बाथ, एंड थर्ड आफ्टर दिस आई ईट माय ब्रेकफास्ट, एंड एट लास्ट फाइनली आई ड्रेस अप एंड गो टू स्कूल। आपके सेंटेंस के ऑर्डर आई होप यही होंगे। कुछ ने मैंने उसको करेक्शन करके दे दिया था तो उनको तो रिवाइज करना नहीं है, बट और अगर जिन्होंने नहीं भेजा था वो रिवाइज कर लीजिए। एंड I hope
रिवाइज भी हो गया होगा. अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 41. नाउ and come to the next page. ओके नाउ ये सारे वर्ड्स को मैंने ब्रेकआउट करके टू टू वर्ड्स क्रिएट कर दिया है. इस तरीके से आप और भी वर्ड सिंगल वर्ड को टू वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हो, बट आपको इसमें ध्यान देना होगा किसी भी वर्ड से हम टू वर्ड जब क्रिएट करते हैं बट मीन्स दोनों का होना चाहिए. ओके बटरफ्लाई को ब्रेकआउट किया, अब ऐसा नहीं बट बटरफ्लाई ऐसा नहीं करेंगे. बटर बटर फ्लाइट में उड़ना. ओके एवरीवेयर. नाउ अगेन एवरीवेयर को हमने टू पार्ट में डिवाइड किया एंड वेयर इट इज. आज द क्वेश्चन वर्ड कि कहां है आखिर इनसाइड सेम एज इन इट इज द आउटसाइड द साइड कॉर्नर. आउटसाइड सेम एज आउट मीन्स बाहर हो जाता है और साइड सेम एज सनलाइट. सनलाइट मीन्स होता है सूर्य की रोशनी है ना. मीन्स भी जानते हो आप और लाइट भी. ओके डू इट फास्ट एंड दिस चैप्टर इज ऑल्सो कम्प्लीट. सर बस इतना ही है. नेक्स्ट क्लास में या तो मैं आपको रीडिंग करवाऊंगी या फिर नेक्स्ट चैप्टर ओपन करवाऊंगी. ओके ठीक है आज के लिए बस इतना ही. इतने में मैं अपनी क्लास ओवर करती हूँ. तब तक ले बाय बाय. सी यू सून. एंजॉय द संडे. मीट टू नेक्स्ट क्लास. ओके अगर किसी को कोई क्यूरी हो तो पूछ सकता है क्या. बाय मैम. बाय मैम. बाय मैम. बाय.